वैसे लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर भी तैयारी तेज हो गई। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, इसमें चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा होगी। हालांकि इन्हीं चुनावी राज्यों में से एक मध्य प्रदेश के दो बड़े कांग्रेसी नेताओं में हिंदू राष्ट्र को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन की स्थिति है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की अगवानी की। इस मौके पर कमलनाथ से सवाल किया गया था, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? तो कमलनाथ ने कहा था कि देश के 82% हिंदू का मतलब हिंदू राष्ट्र ही होता है। आज जब दिग्विजय सिंह से कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले जवाब पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं हिंदुत्व का उल्लेख नहीं है। एक बार दोनों नेताओं को सुन लीजिए कि हिंदू राष्ट्र पर कौन क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही, 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है? ये कहने की क्या आवश्यकता, ये तो आंकड़े बताते हैं। हिंदुत्व का संविधान में कहीं उसका है क्या उल्लेख? नहीं नहीं है, फिर क्या दिक्कत है सर? तो फिर बीजेपी कह रही है कि आपने कमलनाथ पर निशाना साधा है क्योंकि उन्होंने 72% तो उन्होंने क्या गलत कहा है? यहाँ इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या जो है बताना कोई पाप है क्या? लेकिन भारतीय संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा। वैसे दिग्विजय सिंह भी हिंदुत्व के मुद्दे पर पहले के मुकाबले थोड़े सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र से अलग आज ये क्लियर कर दिया कि उनकी सरकार आएगी तो बजरंग दल पर कोई बैन नहीं लगाया जाएगा। सरकार आएगी तो बैन करेंगे क्या बजरंग दल को? देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने में चुनाव है, लिहाजा हिंदू प्रेम के ऐसे नए नए रंग अब आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे ताकि वोटरों के मन में अपनी पार्टी के रंग में उनको रंगा जा सके। लेकिन इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर कंफ्यूजन हुआ तो वोटरों के मन का रंग उतरते या बदलते देर नहीं लगेगी। लेकिन इस सब के बीच सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है।